में ना अपना पिछला भी दर्पण दिख रहा है, जैसे कि हम भक्ति में करते थे ना, जैसे हम, जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ तो सिर ढक के पाठ करना होता है ना, चुन्नी लेके। तो वो जैसे बाबा ने बोला ना, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए काम करते समय भी, तो उस समय का मुझे याद आता है कि सिर ढका हुआ है मतलब कोई हमसे बात नहीं करेगा, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, चाहे कुकिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव साधारण काम करते हुए भी दिखाई दे, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ। तो मुझे उस टाइम का इतना ध्यान आता है, मतलब कोई हेल्पर आया, कोई काम वाला आया, कोई बच्चे आए, कोई नहीं, मम्मी का सिर ढका है इसलिए कोई बात नहीं करेगा, तो ये बहुत पीछे को ले गया। अपनी यादगार बनी हुई है ना। देखो मुस्लिम लोग भी वो कैप पहनते हैं नमाज अदा करते टाइम, या लेडीज भी घर में बैठती हैं तो वो सिर ढकती है पूरा। हम लोग भी जैसे सिर ढक के पाठ करना है तो सिर ढक के, तो पाठ तो बंद हो जाता है, मुंह जुबानी याद हो जाता है, तो काम करते हुए करते रहते हैं उसको। सही बात है। और बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ जी, जैसे अभी दीदी ने बताया कि भक्ति मार्ग का जो भी पाठ होते यादगार होते हैं, तो उसी हिसाब से जो असली हीरा होगा वो कहीं भी छुपाएगा नहीं, उसकी चमक जब भी देखेंगे तभी दिखाई देगी। वो छिप कैसे सकता है, क्योंकि ये जो हमारा जीवन भी ऐसे ही हीरे तुल्य है, जो हम ये वातावरण में, हम जो संगठन संगठन होता हमारा, जो संगठित अभी भी है, हम जैसे हीरे तुल्य जो बाबा के बच्चे हैं, वो भी एक चमक ही है, एक पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे आत्माओं की एक श्रेष्ठ झलक है। तो उसका अनुभव हम सब आत्मा को यही होना चाहिए कि हम सब जो इकट्ठे हुए हुए, ये छुपे हुए हीरे तो नहीं थे जो बाबा ने हमें चुना है। जैसे आज बाबा ने ये भी एक बात बताई कि अगर ऑफिस में कोई कितना भी बड़ा होगा, लेकिन है तो वो सरकारी मुलाजम ही होगा, वो एक किस्म से जो भी है सर्वेंट ही होगा, लेकिन बाबा ने हमें सेवाधारी, जो आप सब बहनें जो इस तरह का जो संगठित योग, जो हमारे इस तरह की मुरलियां हैं जो भी है, जो मैं जुड़ के जब हमें भी प्रसन्नता होती, हम तो चलो जहां भी है जैसे भी है, हम हिमाचल से हूं मैं दीदी, तो पुरुषोत्तम की झलक और फलक दिखाई देती है। तो बाबा यही बोलते हैं कि ब्रह्मा बाप समान, चाहे तुम कहीं भी हो कैसे भी हो, बाप समान स्थिति कैसी है तुम्हारी, तुम समीप हो या सामने हो कहीं भी हो, लेकिन दर्पण में जो चेहरे पे हमारी झलक होती है, उसमें हमारा दर्पण कैसा दिखाई दे रहा है मुझ आत्मा का, क्योंकि हमने अपना ही दर्पण देख, स्वयं को देख कर ही हम दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि अनुभव तो मुझे खुद होगा, मुझे आत्मा को होगा। हाँ ना, जैसे हम हाँ तैयार हो जाएंगे हाँ जी तो दूसरे को तो नहीं बोलेंगे ना, आप मिरर में देखो, हम ही हाँ जी देखेंगे ना। हाँ हाँ जी, मैं देखेंगे। हाँ तो हाँ, तो वैसा ये है। हाँ स्थिति स्थिति में अगर हम टिकते हैं तो ये स्थिति ही हमारे को आगे ले जाएगी। बिल्कुल सही हाँ है, जी, बहुत ओम शांति, ओम शांति। शांति बोलिए दीदी। बहन, बोलिए। हाँ जी दीदी, आज जो वरदान था ना सुबह भी, अधिकारीपन वाला, कि अधिकारी होगी तो वहां अधीनता नहीं होगी और वो सब संपूर्ण वर्ष के अधिकारी होंगे, तो इसी पे आज फिर बाबा ने इसको भी आगे किया ना इस मुरली में भी अधिकारी हाँ किसको कहेंगे, अधीनता किसको कहेंगे, फिर अधीनता होगी तो अधिकारीपन नहीं है, वो दिन और रात की तरह ही है। और फिर बाबा ने उसको आगे जो बताया ना कि भी अधीनता होगी तो उसका क्या मतलब उसमें निशानी होगी, कि वो चाहते हुए भी कुछ हो जाएगा, कहेंगे ये चाहते तो नहीं थे ये कर लिया ना, मजबूर हो जाते हैं, मना करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जैसे चाहे जो चाहे वे कर सकते हैं अधिकारी जो होंगे, लेकिन अधीन जो होंगे वो कहीं ना कहीं करके कहेंगे ये नहीं चाहते थे ये हो गया, ये करना नहीं चाहते थे ये हो गया, ये बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये मतलब बताया बाबा ने आज, और आगे एक्सप्लेन करा इसको कि अधीन किसको कहेंगे और अधिकारी किसको कहेंगे। दोनों इकट्ठा नहीं रह सकता है हाँ ना। जी, नहीं हो सकते, दिन और रात की तरह कहा बाबा ने उसको। और तंदुरुस्त
का क्या, क्या बोला बाबा ने आज? तंदुरुस्त रहने के लिए बोलिए पद्मा बहन, बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि सदा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज खुशी का खुराक खाए। बाबा ने कहा आप वही पुराने पद्मा बहन हैं, वही जो ज्वाइन होते थे हमेशा, वही है ना जो पॉइंट शेयर करते थे। आवाज आपको नहीं लग रहा? आवाज आपकी अलग लग रही है। ये अलग है एक्चुअली। अलग है, अलग है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए पद्मा बहन, सॉरी। हाँ बोलिए। आप खुश नसीब, बाबा ने कहा आप खुश नसीब आत्माओं का गीत है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा वाह। बाबा ने कहा खुशी जैसा खुराक नहीं, अगर खुशी की खुराक खाएंगे तो सदा हेल्थी हेल्दी रहेंगे। खुशी मन का खुराक है। खुशी किस बात की? कि हम बाबा, हम सदा बाबा के नैनों में समाये हुए रहते, इस बात की खुशी है ना। और टाइटल है हमारा नूरे रत्न, आंखों का नूर, है ना, बहुत बड़ा टाइटल। और फिर बाबा ने कहा भाग्य विधाता, बाप ही हमारा भाग्य विधाता है, तो आपका वर्षा है भाग्य बड़ा। और बाबा ने कहा जो वर्षा मिला है भाग्य का, उसको बढ़ाना है, गवाना नहीं। और बढ़ाने का साधन है बांटना, जो भाग्य हमें मिला है हमें औरों को बांटना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सारे की पॉइंट्स ले लिया आपने, नूरे रतन, आंखों के नूर, भाग्य विधाता बाप, फिर वर्षा भाग्य, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सारी की पॉइंट्स आ गई। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और यथार्थ निर्णय के लिए बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बोली है। कल की मुरली और ये जो ग्रुप नंबर टू का थोड़ा सा मैचिंग है, बताना चाहेगा या कोई और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि हमने जो पूछा है वही करे। ओम शांति। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है, बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं, सहज योगी बनना। ओम शांति। सोचने का भी काम नहीं रखा इतना, मतलब देवता बनने का अभी से बाबा हमें ये डालता है कि कुछ नहीं, बस बिल्कुल निरसंकल्प, जो सामने कदम के निशान दिख रहे हैं उसके ऊपर पैर रखना है। वैसे एक हिसाब से बाबा हमें आलसी भी बना देता है, नहीं? सोचना भी। पहली बहन बोलिए। हाँ जी, हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बोला कि जो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत है वही सदा विजयी है। माना कि निश्चय बुद्धि की मतलब जब हमारे सामने एक ही लक्ष्य है और एक ही एक के साथ ही हमारा कनेक्शन है, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है और वो सदा ही मतलब निश्चिंत है और एक के ऊपर ही उसका फोकस है। और दूसरा बाबा ने बोला कि आप जो ब्राह्मण जीवन है ही मोजो का जीवन, तो क्या आप सब जो है इस चीज को अनुभव करते हो? कभी किसी तरह के कोई आप में कोई वो परेशानी या कोई चिंता वो तो नहीं आती है? कभी जो है अचल रहते हो ना हमेशा, या मान लो कोई स्थिति जो अचल है तो वो कैसी भी स्थिति आए उसमें डगमग नहीं हो सकता है? और साथ में बाबा ने फिर बोला, पंजाब वालों से भी पूछा क्योंकि हम भी पंजाब के हैं, तो इस चीज में हमें काफी गर्व महसूस होता है कि बाबा ने बोला कि पंजाब वाले तो बहुत बहादुर होते हैं, वो किसी चीज से घबराते नहीं है। और साथ में फिर बाबा ने बोला कि आप तो हो ही विघ्न विनाशक, और केवल अपने ही विघ्न विनाश नहीं करने वाले हो, इवन आपके सामने कोई भी आत्मा आती है तो आपको उनके भी विघ्न विनाशक हो, उनके भी विघ्नों को विनाश करने वाले हो, आप सब हो दाता, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो आप सब। और सुखदाता का सामने अगर कैसी भी परिस्थिति आए तो वो तो हमेशा ही जो है वो दूसरों को भी दुख से निकालने वाला है, तो सदा आप विजयी हो। ओम शांति। विनाशक ऐसे ही टाइटल मिलेगा, विघ्न आएगा फिर आप उसको विनाश करेंगे, नहीं बनेंगे तो, है ना। दुर्गा माता, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए, बोल सकते। शांति। आज बाप दादा बोले, अब बाप कहते हैं कि मैंने छोड़, मैं मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो, जो लव में लीन होता है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है,
बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं, सहज योगी होना, सदा विजय रत्न हो, यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इतना अटल निश्चय हो जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेगा, वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना, अगर निश्चय में 10-20 कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। ओम शांति दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और एक हाथ पॉइंट शेयर कर सकते हैं जी। दीदी ओम शांति। निश्चय पे एक बात बाबा ने आज कल्प की भी बताई है कि ये कल्प कल्प का हूबहू रिपीट जो ड्रामा है, ये इसमें भी हमें निश्चय होना चाहिए कि अनेक बार भी ये रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। ये बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामे में जो हमारा जो भी पार्ट होगा वो उसमें भी निश्चय में हमें अचल अडोल रहना है। और अचल घर की जो हमारे यादगार है वो ज्ञान के राज्यों से अचल रहता है, उसका भी यादगार अचल घर है, ये नशा भी रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा है ना आगे कि मेरा कहा तो खाली हो जाओगे, तेरा कहा तो भरपूर हो जाओगे, है ना। और बोलना है किसी को जिन्होंने नहीं शेयर किया अभी तक, एक हाथ पॉइंट बोल सकते हैं। बीना बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला था कि हर कर्म में हमारी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति होनी चाहिए, फिर बताया कि मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी, मतलब स्थिति के लिए आधार है मन और बुद्धि, और बुद्धि को शक्तिशाली करने के लिए निश्चय बुद्धि बताया है, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए खुशी की खुराक बताई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम रोज ध्यान रखते हैं, वैसे मन की भी खुशी के लिए हमको रोज ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। और फिर उसका आधार भी आगे बाबा ने बताया है कि खुशी का आधार है संतुष्टता। तो संतुष्टता से लेकर बाबा ने श्रेष्ठ स्थिति और स्मृति तक हमको लेके। हाँ जी। ओम शांति। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं कि कल जब भी खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, या पैदल जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे साक्षी सिस्टर हमारी योगा कराती, योग करेंगे, तो याद करना है हम शरीर के लिए ये कर रहे हैं, वैसे खुशी की खुराक भी उस टाइम खाते रहना है। जितनी भी बार पानी पियो याद करो कि मैं खुशी की खुराक भी खा रही हूँ, मन के लिए, ये तन के लिए पानी है और खुशी की खुराक मन के लिए है। तो ये कल बार बार हमें ये करना है, खाओ पियो घूमो तब ये चीजें हमें याद से करनी है। और थोड़ा चलन चेहरे पे ध्यान देना है कि बाप समान है क्या, ठीक है। और जब भी हम पैर रखे अपने स्थूल पैर, तो हम तब ये भी देखें कि मन का सूक्ष्म जो है वो भी किसके, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म कदम के ऊपर कदम हम रख रहे हैं। ये तीन होमवर्क हम लेते हैं और अभी हमारा योग का टाइम हो गया है, अभी हम योग करते हैं 9:45 तक। शांति। तो अपने दृष्टि के पिचकारी द्वारा प्रेम का रंग लगाओ, आना
मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, मैं
विश्व को
संकल्पों से भर दे हम, शुभ संकल्पों से धरती और आकाश, मनसा सेवा चलो करें हम देते चले को अधिकार हो, दीन
देते चले सकाश मनता सेवा चलो करें हम देते चले सकाश हम देते चले सकाश हम देते चले सकाश हम देते चले ओम शांति शुक्रिया शुभ रात्रि।